हेलो दोस्तों, मैं सोनम ज्ञान दर्शन जी एस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कल मैं कुछ क्वेश्चन करा चुकी हूँ ज्योग्राफी में और आज कुछ क्वेश्चन कराना बाकी है। शायद कल कराए थे हम पूरे ये जनजाति से संबंधित कराए थे, मतलब 30 के लगभग क्वेश्चन कल करा दिए थे। आज देख लेते हैं भारतीय जनसंख्यांकी कुछ है उसको देख लेते हैं। जनसंख्यांकीय लाभांश किसे कहते हैं, क्या है? 60 वर्ष से ऊपर की कार्यशील जनसंख्या, 14 से 50 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, 0 से 6 वर्ष की या 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। तो ये हो जाएगा आपका 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। जनगणना 2011 के अनुसार 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? बिहार है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नगरीय जन्म दर को कम करने के लिए सहायक है या ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है? एक और दो दोनों सही है। यह शिक्षक और बीपीएससी के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लिंगानुपात के आधार पर और सबसे आधार पर सबसे नीचे है, ठीक है? लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या हरियाणा? तो ये हो जाएगा हरियाणा। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की, पंजाब की, उत्तर प्रदेश की? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है? उत्तर प्रदेश, केरल, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर में? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसकी कुल जनसंख्याओं के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, केरल? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्यों में जनसंख्या में कमी आई है? नागालैंड में, मणिपुर में, त्रिपुरा में या सिक्किम में? तो ये हो जाएगा आपका नागालैंड। हाल ही में 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? बौद्ध में, जैन में, सिख में या मुस्लिम में? सिख में सबसे कम है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो ये हो जाएगा आपका बिहार। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है? केरल में, उत्तर प्रदेश में, मिजोरम में या गुजरात में? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है? देश में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, कार्यकारी जनसंख्या का आकार, विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण, विभिन्न व्यवसायों की प्रकृति? तो ये हो जाएगा आपका विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण, ठीक है। आगे देखते हैं 2011 में देशों के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम थी, कहाँ पर सबसे कम थी? तो ये हो जाएगा उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में? तो ये हो जाएगा आपका बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जनांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है? जनसंख्या का घनत्व, रहन सहन का स्तर, लिंगानुपात, ग्रामीण शहरी जनसंख्या? तो ये हो जाएगा आपका रहन सहन स्तर, रहन सहन का स्तर है, ठीक है। नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है औद्योगिक विकास का, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का, परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का, उपयुक्त सभी का? तो ये हो जाएगा सभी का। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किसके दौर से गुजर रही है? स्थिर जनसंख्या, सतत वृद्धि,
तीव्र उच्च विकास निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर, तो ये हो जाएगा निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 की अवधि तक देश की जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत क्या है, तो ये हो जाएगा 17.70 70 जो भी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या थी, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 940, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 950, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जनसंख्या 960, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ये आंसर सही नहीं है। इसका आंसर जो है बता देते हैं आप लोग का, 1000 पर 943 है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 949 तथा शहरी क्षेत्रों में पुरुषों महिलाओं की संख्या 943 है 1000 पे, ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 949 तथा शहरी क्षेत्रों में 929 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर भारत प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के कितनी प्रतिशत है, 14.2, 16.50, 15.5 या 8.2 जो भी है, तो ये हो जाएगा आपका 16.50। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नगरीकरण के कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी बता देते हैं, कजन बीपीएससी टीचर वाले होंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें हो जाएगा ग्रामीण से नगरी क्षेत्र में प्रवास की ऊंची दर, और दूसरा शहरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या और औद्योगिकरण की ऊंची दर, ये तीनों जरूरी है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है, जम्मू कश्मीर में, केरल में, पंजाब में, हरियाणा में, तो ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में। जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है, 15 से 60 वर्ष की आयु समूह, 60 वर्ष से ऊपर आयु समूह, 50 वर्ष से ऊपर आयु समूह, 0 से 14 वर्ष की आयु समूह, तो ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तो ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व के जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है, 17.5। ठीक है, वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है, स्थिर जनसंख्या, सतत वृद्धि, तीव्र उच्च विकास, निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर से, तो ये ऑप्शन डी होगा। ठीक है, यही निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। वर्ष 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, ये चार राज्यों में बताना है, ऐसे तो दूसरा होगा, तो ये तमिलनाडु है। भारत के किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है, हिंदू, बौद्ध, ईसाई, जैन, तो ये हो जाएगा आपका ईसाई। जनसंख्या के प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है, तो ये हो जाएगा आपका, सीधे बता देते हैं, अशोधित जन्म दर, अशोधित आपका मृत्यु दर, दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो ये जनसंख्या से क्वेश्चन था जो मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट है, बताना चाहिए, तो बता दिए। कल आपका विविध का रह जाएगा इसमें कुछ, तो वो बता देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन ज्योग्राफी हो जाएगा, हिस्ट्री हो ही गया, ज्योग्राफी हो गया, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, वो मैं एक जगह कलेक्ट करके रखी हूँ, उसको मैं एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ लेती हूँ ताकि वो उसमें से क्वेश्चन कुछ लड़ जाए, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाता है, 8-10 का हेल्प मिल जाता है यहाँ से। तो अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो मैं कल बनाऊँगी। आज के लिए इतना ही, और एक बात और है कि मैं लाइव क्लासेस लेती हूँ 12 से 1 बजे तक, उसमें KBC नैनो अभी पढ़ा रही हूँ, लूसेंट से होमवर्क देती हूँ, और इडोटेरिया के करंट का 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन उसमें कराती हूँ मैं रोज़,
और उसके बाद कुछ ट्रिक्स जो क्वेश्चन आते हैं इम्पोर्टेंट है और बड़ा बड़ा हो जाता है उसके कुछ ट्रिक्स मैं बताती हूँ। तो आप लोग को शामिल होना होगा। तो 12 बजे आप रोज प्रतिदिन आप शामिल हो सकते हैं। 12 से 1 क्लासेस लेती हूँ उसमें। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो देखने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो मैं कल बनाऊंगी।